हेलो जी, मैं विकास मलिक भाई। एक और नई वीडियो में सभी भाइयों का वेलकम है। आज है नेपाल में दूसरा दिन। अभी जा रहे भाई बाहर घूमने के लिए। आपने लास्ट वीडियो देखी होगी भाई, इंडिया से नेपाल की। और एक और डाली थी भाई, थोड़ी मोटी रूम टूर के बारे में डाल दी थी, ठीक है। वो दो वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी है। आज ये तीसरी वीडियो होने वाली है नेपाल की। अभी हम जाने वाले हैं बाहर घूमने के लिए। जो भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, वो साथ के साथ आप सभी भाइयों को दिखाऊंगा वीडियो के जरिए, ठीक है। आप वीडियो में बने रहना। मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी हम हैं अपने होटल के रूम में। मेरे सामने क्या नज़ारा भाई, एक बार वो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। काठमांडू पूरा चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक बार वो नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो भाई, ये एयरपोर्ट है। कल भी मैंने आपको दिखाया था। और ये चारों तरफ आप देख रहे होगे ना, ये पहाड़ ही पहाड़ है भाई। चारों तरफ खिड़की से जो भी नज़ारा आपको दिखाई देगा वो आप देख सकते हो। और जो भी चीज़ रहेगी और जो भी है, वो अभी हम चलेंगे घूमने के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई। था ना मैं, तो उन्होंने डिलीट कर दिया। बसपति के अंदर तो छाई ना तो भाई पूछा 14-15 किलो खाई कभी लाल। €2000 भाई पूछा टोटल, उसी के अंदर सब आ जाएगा। टिकट उकट सब आ जाएगा इतना। अच्छा टिकट अपना? हाँ टिकट अपना। ए टिकट आपनो तीन आदमी ये और हो गया। आप देखो ये अभी ऐसे घूमने के लिए नहीं है। साफ आएगा, साफ आएगा। ये हमारी गाड़ी है भाई आज की। इस गाड़ी पे आज घूम रहे हैं। भगवान जी सोए हुए हैं पानी में। अच्छा दिखते हैं वो? हाँ। और गाड़ी क्यों ले लो, बताए गाड़ी किसके लिए लो। मैं नेपाल हाई कोर्ट है ये। ये चोट लग गई थी वहाँ? चोट या ऐसे? नहीं चोट लग गई थी। जैसे उसका जो होता है ना, वो ऐसे ऐसे करते थे हम लोग, उसका एक कोना होता है। काओ काओ
देखा है ना। बाकी रह गया था हम लोग का झूला भी है। अच्छा, ये मतलब आप 40,000-50,000 मंथली रूम रेंट पे करके रहता है, क्यों मालूम है? ये लोग को पासपोर्ट देने के बाद में जो साइप्रस, अच्छा वो यहाँ यहीं से उतर के आते हैं।